अस्सलाम वालेकुम मनिका, बोलो। कहाँ तुम फातिमा? मैं तो ताई अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए आई हूँ। तुम कहाँ गायब हो? सुबह भी घर पे नहीं थी। अगर होती तो हम साथ में शॉपिंग के लिए आ जाते, मिलकर करते। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चले ताई अम्मी? हाँ चलते, मैं बस एक लॉन्ग उठा लूँ, मैंने बनने को दी भी थी। ठीक है, मैं आप जाके ले, मैं तब तक ड्राइवर को बोलती हूँ वो गाड़ी ले आए। ठीक है। हाँ निका, बस हम लोग बाहर ही निकल रहे हैं, खैरियत है? निका भी ना, ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हारे? उठो, हिम्मत करो, मेरा हाथ पकड़ो। कहाँ रह गई है अनिका, फोन भी नहीं उठा रही, हद होती है। तो उठाओ अनिका, कहाँ गई थी, कब से फोन कर रही हो तुम्हें? फातिमा की जान लेने। क्या कह रही हो? शुक्र करें कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना मेरी गाड़ी से कुचल देते। होश में हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बिल्कुल ठीक है दिमाग मेरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे बख्शूंगी नहीं मैं। होश के नाखून लो, किसी ने सुन लिया ना तो। ताई अम्मी आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, इतनी नहीं लगी है। फिर भी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ भागजान, सब खैरियत है? अरे बस मत पूछो। शाहीन, शाहीन आओ बैठो यहाँ, बेटा आराम से बैठो। शाहीन, ये सदके के पैसे हैं फातिमा बीबी के, अब किसी भी जरूरतमंद को दे देना, और एक ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस बना के ला के दो फातिमा बीबी को। जी अच्छा। आज तो मेरी बच्ची बच गई, न जाने कौन कमबख्त मेरी बच्ची के जान के पीछे पड़ा हुआ है। अल्लाह ने तो बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा दिया। फातिमा बेटा जरा शफीक को फोन तो लगाओ, बल्कि तुम नंबर मिलाओ, मैं खुद बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी इस एक्सीडेंट के बारे में कि वो SHO से बात करें। भाभी जान, SHO को इत्तला करने की क्या जरूरत है? शफीक भाई की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्हें बताएंगे तो उनकी तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। क्यों फातिमा? ताई अम्मी चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक हादसा था और हो गया। आप प्लीज़ बाबा को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे।
और ये अनिका तुम कहाँ गई थी? वो भाभी जान अनिका कंबाइंड स्टडी के लिए गई थी, मैंने भेजा था। फातमा बेटा दर्द हो रहा होगा, तुम पेन किलर भी ले लो साथ। नहीं हो रहा था अम्मी, मैं ठीक हूँ। फातमा बेटा ठीक हो ना तुम? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? जी चाची, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने बहुत करम किया। बहुत एहसान है रब का, बहुत एहसान है मालिक का। भाभी जान मेरा ख्याल है मैं फातमा की नजर उतार देती हूँ। माँ अब भी जाएं, फ्रेश हो जाएं। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। मैं ठीक हूँ। अरे शाहीन, जी माँ आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी फूफो की तरफ जा रही हूँ, मुताहिर की और तुम्हारी शादी की बात करने, ताकि तुम्हें ज़हनी सुकून मिले अनिका, वरना तुम खुद को भी पागल कर दोगी और मुझको भी। मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, आप वहां नहीं जाएंगे। मैं अपनी इकलौती औलाद को पागल होते नहीं देख सकती, मैं वहां जरूर जाऊंगी। अगर आप वहां गई ना और जाकर आपने फूफो से मेरी और मुताहिर की शादी की बात की, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और आपको पता है जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अनिका लड़की